ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आपके पास एक मास m1 है, एक मास m2 है और डिस्टेंस r है, सिस्टम की एनर्जी इसके इक्वल है। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? पहले तो देखो सारे फॉर्मूले एक जैसे दिखते हैं, तुम्हें फॉर्मूला बहुत अच्छे देखने हैं, किसमें आर स्क्वायर आता है, किसमें आर स्क्वायर नहीं आता, किसमें माइनस आता है, किसमें प्लस आता है। अभी तक हमने फोर्स की, अभी तक हमने ई किया, दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर है, राइट? ये क्या है? इस पर लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ टू मासेस, इसके अंदर मैंने कितने मासेस लिए? टू मासेस। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ थ्री मासेस। अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं तीन मासेस का, ठीक? तीन मासेस में अब इमेजिन करो, पहली फिगर ये रही जिसमें ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, और ये r1 है और ये r2 है। डायग्राम साथ साथ r1 एंड r2 है। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? अगर तुमने दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो दो मासेस शुरू में कहां पर पड़े हुए हैं? एट इन्फिनिटी। तुमने फर्स्ट मास को लेके आए, उसका वर्कडन हमेशा जीरो। फिर तुम सेकेंड को लेके आए, और जब तुम सेकेंड को लेके आए थे इसमें डेरिवेशन में, तो आंसर क्या आया था? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, डन। अब सिस्टम ऑफ कितने हैं? तीन मासेस। अब तीन के तीन मासेस इनिशियली कहां पर पड़े हुए हैं? एट इन्फिनिटी। तुमने पहले m1 को रखा, उसका वर्कडन तो पक्का जीरो, उसको तो लेना ही नहीं है। फिर तुमने m2 को रखा, m2 को रखने में वर्कडन आएगा w1, और फिर तुमने m3 को रखा, और भी ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। यानी कि तीन पार्टिकल की एनर्जी कम से कम दो पार्टिकल की एनर्जी से तो ज्यादा आएगी। अब दो पार्टिकल की तुम्हें करनी आती है तो तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये बताओ इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम वन एम टू बाय आर वन। क्लियर है? दो की तो आती है, अगले दो की कितनी है बोलो? माइनस जी एम टू एम थ्री बाय आर टू। ये पॉइंट क्लियर है? दो दो करके लेते जाओ, तुम्हें दो की तो फॉर्मूला याद ही है। तो पहले इन दो की ली, फिर इन दो की ली, और लास्ट में माइनस जी एम वन एम थ्री बाय आर वन प्लस आर टू, ये लो। मतलब पूरे कॉम्बिनेशन ले लेने हैं दो दो करके, पहले m1 m2 का, फिर m2 m3 का, फिर m1 m3 का, ऐड कर दो, डेरिवेशन भी कर लोगे तो ये आंसर आएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल में क्या करना है? सिंपली दो दो करके पेयर लो, आपके पास इसमें आंसर आएगा, और ये इसका आंसर है। जैसे आपको ऐसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन, ये देखो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल ऐसा भी आ सकता है, m1 है, m2 है, m3 है, r1 है, r2 है, r3 है। तो सिस्टम ऑफ एनर्जी सबसे पहले m1 और m2 की निकाल लेते हैं। m1 m2 के बीच में डिस्टेंस कितने है? r1 है। फिर माइनस g m2 m3 में डिस्टेंस कितने है? r3 है। फिर माइनस g m1 m3 में डिस्टेंस r2 है। ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब पेयर लेते जाओ, आंसर आ जाएगा, बातें खत्म। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये क्या लॉजिक है इसमें? दो दो करके लेते जाओ, आंसर आ जाएगा। एनर्जी की रिएक्शन नहीं होती स्केलर है ये, अच्छा है। कोई वेक्टर नहीं ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, इसको तो ओरली भी कर सकते हो, एड ही तो करना है मन में। वेक्टर में प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी करके तो लोग खुश होते हैं, वेक्टर नहीं ड्रॉ करना ना, डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, कुछ भी ना करना, ऐड कर दो आंसर। अब ऐसी सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, ये सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस है, ऐसी सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस ये लो। तो इसके अंदर एक इमेजिन करो, एक दो तीन और ये, तो m1 मान लो, m2 मान लो, m3, m4, और आपको ना डिस्टेंसेस ये भी चाहिए होंगे इसमें,
जिसमें कि ये डिस्टेंस आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है, ये आर फाइव है और ये आर सिक्स है। ये रहा, ठीक। कितनी पेयर ऑफ एनर्जी आएंगी? ना ना, छः आएगी, सिक्स है, दो दो करके लो सारे पेयर्स, सिक्स डायगनल भी तो आएंगी दो। तो इसमें यू का फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर वन, फिर नेक्स्ट आएगा माइनस जी एम टू इंटू एम थ्री डिवाइडेड बाई आर टू, फिर आएगा इसमें माइनस जी एम थ्री इंटू एम फोर बाई आर थ्री, फिर आएगा माइनस जी एम वन इंटू एम फोर बाई आर फोर, फिर आएगा माइनस जी एम फोर इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर फाइव, फिर आएगा माइनस जी एम वन इंटू एम थ्री डिवाइडेड बाई आर सिक्स। आंसर मतलब कि इसमें याद तो करने का कुछ है नहीं, तो पेयर ले लो आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की कैसे निकलती है। अब दो हो, तीन हो, कई बार तो हेक्सागन पे दे देगा, जो भी देगा, पेयर लेते जाना आंसर आ जाएगा पॉइंट मासेस में, पॉइंट मासेस में। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये लाइन में, हाँ फिर पेयर लेने पड़ेंगे। कितने बनेंगे वो मैथ लेना, कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं। देखो मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बता सकता हूँ इसमें, वो तुम्हें ना चार से ऊपर देगा ही नहीं नॉर्मल पेपर में। प्लस टू के एक्चुअली ना ये पूरा कॉन्सेप्ट प्लस टू के ऊपर बेस्ड है, मतलब तुम मानोगे नहीं मेरी बात। अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है तो तुम ये लगा के चलो कि आज से जब प्लस टू का पहला महीना होगा, जो जिसको एन सी आर टी फिजिक्स बोलते हैं आपकी प्लस टू की, एक महीना यही लेक्चर के अंदर से ही चीज़ें चलेंगी। अगर आपको लेक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपको प्लस टू की स्टार्टिंग बहुत ही क्लियर दिखने वाली है। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं मास को चार्ज, मतलब मैं कुछ किताब भी नहीं देख रहा हूँ, मेरे को प्लस टू का लेक्चर इतना याद है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर मुझे इतना पता है कि चार्ज को मास से रिप्लेस कर जा रहा हूँ, और मुझे इतना पता है जिसने किताब लिखनी है वो भी ये कुछ करता होगा, वो रिप्लेस ही कर देगा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और तुम्हें पी वाई क्यू से लेकर एन सी आर टी हर जगह यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, वो फिगर क्या देगा मुझे नहीं पता। जो प्रॉब्लम आती है थोड़े, देखो पहला लेवल चलता है पॉइंट मासेस पे, ठीक। दूसरा लेवल चलता है रॉड, रिंग, डिस्क, स्फेयर्स, शेल पे। इनकी वजह से वी निकालना, ई निकालना, एनर्जी निकालनी, तीन। ये पी वाई क्यू का कॉन्सेप्ट है, मतलब नॉर्मली मेंस तक यहाँ तक चलता है। तीसरा कॉन्सेप्ट चलता है इससे ऊपर, वो कहते हैं जी एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के अंदर मास भरा पड़ा है, वॉल्यूम वाइज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। आपको ये कैसा क्वेश्चन हुआ, सॉलिड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मतलब क्या होगी? होगी सॉलिड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी, पता है कैसे? सॉलिड स्फेयर बना हुआ है बहुत सारे मासेज एम वन एम टू एम थ्री और पता नहीं डीएम डीएम करते रहो, शुरू में वो कहां पे है? इन्फिनिटी पे, नहीं नहीं इन्फिनिटी पे। एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है? पहले तुम क्या करोगे, एक पॉइंट मास लेके आओगे, इसके बाहर क्या रखोगे, एक शेल रखोगे, उसके बाहर एक और शेल रखोगे, फिर एक और शेल रखोगे, एक और शेल रखोगे, पहले शेल, पहले पॉइंट का वर्क डन जीरो, दूसरे शेल का निकाल लो डब्ल्यू वन, तीसरे का निकाल लो डब्ल्यू टू, तीसरे चौथे का निकाल लो डब्ल्यू थ्री, फिर इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये राइज होता है अब शेल कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब तुम्हें पहले शेल की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, शेल भी तो मासेज एम वन एम टू से लगा हुआ है। अब पहले तुम टॉपिक स्टडी करोगे शेल की एनर्जी, फिर तुम करोगे सॉलिड स्फीयर की एनर्जी। ये थर्ड लेवल की कैटेगरी चलती है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे चलता है उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। तो पहले शेल की निकालनी, उसका रिजल्ट याद करना, फिर सॉलिड स्फीयर के अंदर निकालना, थर्ड लेवल है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे। बट अभी फिलहाल तो नॉर्मल चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नॉर्मल में पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल आती है। आज मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ वो कैसे आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जैसे ये तो देखो फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, राइट, क्लियर है कि फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझो। सपोज आपके पास वो कहेगा कि चलो एक अर्थ लो, ये लो, ये अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका मास कैपिटल एम है। क्वेश्चन नंबर वन,
कि अगर मान लो मैं कैपिटल आर डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं, मैं कैपिटल आर डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं, तो मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं करना, आप सरफेस के ऊपर आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, सिंपल। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है छोटा एम, जिसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, जब ये सरफेस के ऊपर है बोलो इसकी पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, और ये कितनी है फाइनल एनर्जी कितनी है, यू एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितनी, टू आर, सही है। और चेंज निकालने में कुछ करना ही नहीं है, बोलो ऊपर वाली एनर्जी फाइनल बड़ी है कि इनिशियल, यार पत्थर को ऊपर लेके जाएंगे एनर्जी तो बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे कैसे, ऊपर जाने में एनर्जी बढ़ती है, फाइनल बड़ी है इनिशियल छोटी है, तो माइनस जी, अच्छा अच्छा तुमने देख लिया होगा वो टू आर है भाई, माइनस भी है, माइनस भी है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ऐसे ये लो, तो आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आएगी, जी एम एम कॉमन आ गया, ये वन बाई आर आ जाएगा, ये वन बाई टू आर आ जाएगा, तो आंसर इज जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर आ जाएगा, सिंपल। तो पॉइंट नंबर वन यहाँ तक क्लियर है कि कुछ नहीं करना आपने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है, ये पहले टाइप का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बात खत्म, ठीक। कुछ भी नहीं किया, चेंज निकाल दिया, बात खत्म हो गई, और इनिशियल फाइनल का चक्कर है, इनिशियल फाइनल, हाँ एमजीएच नहीं लगाना इस चैप्टर में, क्योंकि स्मॉल जी कैपिटल आर मतलब 6400 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर पे तो जी जबरदस्त चेंज हो जाएगा, तो एमजीएच की तो इस चैप्टर में बात करनी ही नहीं। आपसे अगर मैं ये पूछूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपने माइनस जी एम एम आर ही बोलना है इस चैप्टर में, बस 10-15 मीटर हाइट पे लगा लेना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो पॉइंट यहां तक क्लियर है। मैं क्वेश्चन और देख रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि एक रॉकेट को ना अर्थ से लॉन्च किया, कोई पढ़ रहा होगा न्यूमेरिकल स्टूडेंट, और हुआ क्या, न्यूमेरिकल में लिखा था रॉकेट को लॉन्च किया विद मान लो 200 मीटर पर सेकेंड, रॉकेट के अंदर फ्यूल था और रॉकेट कॉन्स्टेंट फ्यूल बर्न करे जा रहा है, इंजन चल रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उड़ रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, ठीक है। तो उसमें ना काइनेमेटिक्स लगी हुई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। अब वो कन्फ्यूज हो गया, वो कह रहा है ये कैसे हो गया यार, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो रॉकेट इतना ऊपर गया नहीं एज्यूमिंग एक्सलेशन टू बी कॉन्स्टेंट, हाँ तब लगा सकते हो, पर लेकिन प्रैक्टिकली लगता नहीं ना, जब आप बहुत हाइट पे जाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा, तो आप मत लगाना, आप ऐसे ही लगाना। जैसे अगली प्रॉब्लम ऐसी आएगी जो आपको पूछी जाती है कि सपोज आपको फिर से ये अर्थ दे दी जाएगी, बनाते रहो साथ साथ, और आपको ये कहा जाएगा कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, मास इसका एम है, लेट अस सपोज एक छोटा सा मास है एम जिसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ विद अ वेलोसिटी ऑफ 3/4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एम बाई कैपिटल आर, ऐसी कुछ भी, बस कुछ भी लगा दिया, इतनी वेलोसिटी ऐसे गिवन होते हैं इसमें, ऐसे वेलोसिटी गिवन है इसमें, तो इतनी वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया और अब ये ऊपर जाएगा। अब देखो ना, जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ हाइट अटेन करेगा, आपको बताना है ये हाइट अटेन की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको मालूम नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ना आर में चल रही है, आर बहुत बड़ी बात होती है, तो तुम इसमें कुछ भी काइनेमेटिक्स मत लगाना, कहीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जीरो मत लगा देना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो आप ये बोलना कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे विल रिमेन सेम। तो शुरू करते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू बोलो यहाँ पर क्या आएगी, माइनस जी बड़ा मास छोटा मास डिवाइडेड बाई आर, है ना, बड़ा मास छोटा मास बाई आर, प्लस काइनेटिक कितनी, हाफ छोटा मास
इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी है, ठीक है, एंड में पुट कर लेंगे इसमें। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाई सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, आर प्लस एच, और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। एच निकालना कितना आ रहा है, करो इक्वेट करो, इसे कैलकुलेशन तो सिखानी है ना, आप छोड़ नहीं सकते इसके ऊपर, ये 10 या 15 वाली बात थोड़ी ना, 10 मीटर 15 मीटर पे करना, जरा आंसर क्या आ रहा है, एच एग्जैक्ट निकाल लें। तो इसमें इक्वेट करते हैं, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, 3/4 अंडर रूट ऑफ 2 जी कैपिटल एम बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहां से माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर प्लस हाफ, छोटा मास, ये 9 है, ये 16 है, अंडर रूट कट गया, 2 जी बड़ा एम बाई आर, राइट, क्लियर है यहां तक सरफेस। देखो हम कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसे ग्राउंड मान लो और फिर यहाँ पे उसके हिसाब से कर लो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता, मतलब गलत नहीं है वो, बिल्कुल सही है, फिर दिमाग पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है इस तरीके से। सेंटर से ही है तो पूरा चैप्टर ही सेंटर से लेते जाऊँ, एक रूल बना लो, नहीं तो स्टूडेंट को समझाना बड़ा मुश्किल है कि मैंने अभी ग्राउंड यहाँ लिया, अब मैं सेंटर ले रहा हूँ, और सारी किताबें सेंटर लेती हैं, तो बेटर है कि तुम सेंटर ले लो, फिर बाकी कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाएंगे, नहीं तो फिर मतलब सारे फॉर्मूला भी चेंज, मतलब मुश्किल हो जाएगी मेरे को समझाना। आप ले सकते हो ग्राउंड पर, आप सेंटर ही लो। तो यहां से जी एम एम मेरे ख्याल से कैंसिल ही हो गया, जी एम एम और जी एम एम, तो माइनस ये आर प्लस एच रह गया, ये माइनस टू आर हो गया, और ये टू से टू भी गया, 9 16 वन बाई आर हो गया। प्लीज एक बार चेक करना एच कितना आ रहा है, इसे कैलकुलेट करें, एच बताएं मुझे कितना आ रहा है, देखो और आंसर कितने आ रहे हैं, नाइन आर बाय सेवन। पॉइंट सर सरफेस पे 2R क्यों लिया, सरफेस के ऊपर यहाँ पे, यस सर, नहीं मैंने R लिया उधर कैलकुलेशन में, मैंने R लिया, ओह आई एम सॉरी, सरफेस के ऊपर, ठीक है यार मेरा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने 2R ले लिया, ओके। तो यहाँ प्लीज़ एक बार दोबारा करना, माइनस जी एम एम बाई आर लेना है यहाँ पे, सॉरी माइनस जी एम एम बाई आर लेना है, अब करो प्लीज़, हाँ अब करो, सर उसी से 9R बाय 7 आया था, अच्छा आपने अपना किया था, ओके, तो कितना आया था, 9R बाय 7, अच्छा ठीक है आपने अपना कर लिया होगा, ठीक है मैं यहाँ कैलकुलेशन वो की, बाकी सब सही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक करना कैसे है, लेकिन किसी भी रॉकेट को अगर ऊपर फेंकना है और किस तरीके से हाइट अटेन करनी है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, आपका आंसर आ जाएगा, सही कर सकते हैं। कि जी अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, गलत नहीं है ये, ज़्यादा सही है यार, देख कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, क्या फर्क पड़ता है रास्ते में क्या हुआ, तो मैं क्यों इंटीग्रेशन करनी, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करती है, काम खत्म हो गया। जैसे क्वेश्चन है आपको, अब अगला क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, आप नोट करेंगे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैंने घेरा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3R, कहाँ से, सरफेस से, तो ऑब्वियसली u इज इक्वल टू जीरो जीरो, ये और ये डिस्टेंस r है। अब क्या होगा जब ये ग्राउंड पे इसको हिट करेगा, किसी वेलोसिटी से हिट करेगा, बताना है वेलोसिटी क्या है, और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, अर्थ का कैपिटल m है, उल्टा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधे क्वेश्चन में रॉकेट ऊपर जा रहा है, आधे में नीचे गिर रहा है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से निकाल के आंसर निकाल लो प्लीज़। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर,
और यहाँ पर कानेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, यहाँ पर कानेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल क्या आ जाएगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई फोर आर, ऐसे ही है। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, माइनस जी एम एम बाई फोर आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ इंटू छोटा मास इंटू वी का स्क्वायर, स्मॉल मास तो हो गया कैंसल, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी एम बाई आर कॉमन, तो ये वन हो गया और ये वन बाई फोर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, तो ये वन हो गया और ये वन बाई फोर हो गया, इस तरफ ले गया मैं, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी एम बाई आर, ये कितना आएगा, थ्री बाई फोर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वी स्क्वायर जी एम इंटू सिक्स बाई फोर इंटू आर। अब पॉइंट ये नहीं है, तुम देखो वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे, पॉइंट ये कि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव कैपिटल जी की फॉर्म में ना गिवन हो, स्मॉल जी की फॉर्म में, ज़्यादातर स्मॉल जी की फॉर्म में गिवन हो, तो एंड में क्या करोगे, इस कैपिटल जी एम की जगह क्या पुट करोगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे जो बचा वो आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी, चाहे रॉकेट को ऊपर फेंको चाहे रॉकेट को नीचे लेके आओ, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है यहाँ तक, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए आज के लेक्चर के ऊपर, मैं अपनी वैल्यूज चेंज करता जा रहा हूँ उस हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, ताकि आप जब क्वेश्चन करें आपको कॉन्सेप्ट पता हो लेकिन वैल्यूज के साथ आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाए। मैं सेम क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपके पास कुछ काम हो करने के लिए, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कैपिटल जी किस, हाँ हाँ वो तो कैंसिल करते रहो, नहीं मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसके अंदर आपको ऐसे गिवन होगा कि सपोज आपके पास फिर से अर्थ है, इस बार आपको वो क्वेश्चन में ये कहेगा कि अर्थ ये जो रेडियस है कैपिटल आर है, मास इसका कैपिटल एम है, मैंने वी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जिसकी वेलोसिटी इतनी थी, ये लो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ऊपर फेंका और इस वेलोसिटी को देखते ही, इस वेलोसिटी की वैल्यू को देखते ही मैं ये बता सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आएगा, ये ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएगा। तो तुम एक चीज नोट कर रहे होगे, मैं बार बार तुम्हें यही आंसर वेलोसिटी इसी फॉर्म में दिए जा रहा हूं। वैसे बता देता हूं आज हम टॉपिक करने वाले हैं इसके बाद, इस वेलोसिटी का खास नाम है, इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं आज हम, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर फेंकें तो फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर वो पुल को क्रॉस करता हुआ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। आप एक चीज नोट करें, अब क्योंकि मैंने वेलोसिटी अगर इतनी दी तो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा, और मैंने कितनी दे दी, डबल, अब तो 100% वापस नहीं आएगा। और मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा था, उसमें 3/4 किया था मैंने, मतलब वेलोसिटी पूरी नहीं थी इसलिए मैंने हाइट पूछी थी। तो ये वैल्यू खास वैल्यू है, इसके नीचे वेलोसिटी है तो आएगा वापस, इसके इक्वल या बड़ा है तो वापस नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब ये वेलोसिटी एस्केप से बढ़ गई, डबल हो गई, तो ये नहीं आएगा और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। जैसे ही ये ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करेगा इसकी कोई वेलोसिटी होगी, फिर अज्यूमिंग कि वहाँ पर कुछ नहीं होगा और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो बताएं, इसे इंटरस्टीलर स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टीलर स्पेस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताएं, ये क्वेश्चन है। मतलब अब क्वेश्चन सरफेस ऑफ अर्थ और इन्फिनिटी पे है, अब कौन सी काइनेमेटिक्स और क्या कुछ भी ना लगेगा, अब तो एनर्जी कंजर्वेशन ही बचाएगी भाई, कंजर्वेटिव है ना, जहां मर्जी दुनिया में लगा दो बात ही खत्म है, एक बॉर्डर पे लगा दो जहां ग्रेविटेशन पुल खत्म हो रहा है यहां पे लगा दो। तो देखो किस वेलोसिटी से बाहर निकला, तो यहां पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और ऐसे यहां पर भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम इक्वल कर दो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, पोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या होगी, माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट करेंगे और काइनेटिक यहां पर क्या हो जाएगी, हाफ इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा, 4
फोर इंटू टू इंटू जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से छोटा मास तो गया, टू से टू भी गया, जी एम बाई आर ये लो। से वी डैश स्क्वायर बाई टू क्या आएगा, थ्री जी एम बाई आर, और यहां से वी डैश की वैल्यू निकाल लेना आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कैसे काम करती है, किन किन टाइप के क्वेश्चन में करती है, बात समझ में आती है यहां पर।